हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग एक छोटे से आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इसकी गणना कर लिए थे, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम लोग निकाले थे। और उसमें बताया गया था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, और उस आवेश पर लगने वाले बल एवं आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु की वायु क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते थे। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता था, ठीक है। वीमा एम एल टी पे -3, ए पे -1 होती थी, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। हाँ, ई बराबर एफ अपन क्यू नॉट आया था। यह एक सदिश राशि होती थी जिसकी दिशा सदैव बल की दिशा में होती थी। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा आवेश हो, एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट चार्ज हो, बिंदु आवेश, बहुत छोटा आवेश, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है किसी बिंदु पर, ठीक है। फिजिक्स में जब भी कोई नियम बनाते हैं तो वो हमेशा छोटे से छोटे चीज के लिए बनाते, छोटे छोटे वस्तु के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु है, बिंदु आवेश, उसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर उसके बाद बड़ा आवेश लेंगे, अभी पहले छोटे आवेश के लिए निकालेंगे, फिर वही छोटा आवेश बड़े आवेश के लिए फिर हम लोग अप्लाई करेंगे, और बड़े आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आगे चल के हम लोग निकालेंगे। तो पहले एक छोटे से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है तो इसको देखा जाए। मान लेते हैं कि एक छोटा सा आवेश है प्लस क्यू, ओके, ये एक छोटा सा आवेश है प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। इसके चारों तरफ मान लेते हैं ये इसका क्षेत्र है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ये तो वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, तो अगर हम किसी दूसरे आवेश को लाएंगे इस क्षेत्र के भीतर तो उस पर एक बल कार्य करेगा, वो चाहे आकर्षण का हो प्रतिकर्षण का हो, ठीक है। सुविधा के लिए हम लोग किसको लाते हैं, तो पिछले वीडियो में बताया गया धन परीक्षण आवेश को। धन परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसका मान बहुत कम होता है, यानी वो दूसरे आवेश पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। बस उसे किसी बिंदु की कोई अगर बस कोई कुछ ज्ञात करना है तो वहां पे उस बिंदु पर वो बताता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। हमने क्या किया, एक धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु किसी बिंदु तक ले आए। मान लेते हैं बिंदु ए है, ठीक है। इस आवेश के चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र में हम बिंदु ए पर किसी परीक्षण आवेश को ले आए, ठीक है। कितनी दूरी पर, तो उस आवेश से आर दूरी पर, जो वैद्युत आवेश है उससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु था ए, जिस पर हम एक अन्य परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ले आए। तो अब इस पर ले आए तो यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि इस पॉइंट पे बिंदु ए पर इस आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज क्यू का, इस प्लस क्यू का यहाँ पे ताकत कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, इसको हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो कल हमने एक सूत्र पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी इस बिंदु पर लगने वाला बल और उस आवेश की मात्रा जिसको हम बाहर से ला रहे हैं उन दोनों के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो हमको ई निकालना है तो ई के लिए ये सूत्र होता है। क्यू नॉट तो हमको पता है जिस आवेश को ला रहे हैं, क्या नहीं पता है, तो आंसर है एफ। इस बिंदु पर लगने वाला बल नहीं पता है कि इस बिंदु पर लगने वाला बल कितना है। हम काम करेंगे बिंदु पर लगने वाला बल निकालेंगे कितना है, तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल कितना है। तो कूलाम का नियम कहता है कि वैद्युत बल जो एफ होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माध्यम जिसका परिवर्तन के है, कि पहले आवेश का मान तो पहला आवेश क्यू है, दूसरे आवेश का मान तो दूसरा आवेश क्यू नॉट है, और बटे में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर, तो आर का स्क्वायर। तो प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला जो बल है उसका सूत्र ये है, ओके, समीकरण नंबर एक। तथा हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं? जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। ये हम लोग एक सूत्र पीछे पड़े हैं, और यहाँ पे F की वैल्यू समीकरण एक से निकाले वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। तो इस F की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है? अगर रख देंगे ऐसे लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर करके, इसलिए कैपिटल E बराबर F की जगह क्या रखेंगे, वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और बस पहले से क्या है, हर में क्यू नॉट है, तो यहाँ पे बटे में क्या ले लेंगे, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा। फाइनली हमारा सूत्र आएगा कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है वो होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, उस आवेश की मात्रा जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस आवेश की मात्रा, और बटे में उस आवेश की उस बिंदु से दूरी के वर्ग, ठीक है, अपन आर स्क्वायर, वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में आर स्क्वायर। क्यू क्या है, उस आवेश की मात्रा जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, और आर है उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो उस आवेश के अनुपाती होती है जिसके कारण हम लोग निकाल रहे हैं, और दूसरा उस आवेश से उसकी दूरी के वर्ग के वेग को अनुपाती होती है, ओके। अच्छा, इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो जैसे बल को हम लोग सदिश रूप में लिखते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। वेक्टर ई बराबर लिखेंगे हम वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और बटे में इसको वेक्टर रूप में लिख दें तो वेक्टर आर का क्या हो जाएगा, मॉड में वेक्टर आर का स्क्वायर, और एक दिशा जुड़ जाएगी, और वो दिशा क्या होगी, आर कैप, ठीक है। यानी ये परिमाण है उसकी दिशा होगी, इसको हम लोग दिशा के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया किसी बिंदु पर, किसी बिंदु आर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो ये सूत्र याद रखेंगे, E बराबर होता है वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, और ये उसका सदिश रूप है। तो चलिए लिखना शुरू करिए, लिखेंगे अब थोड़ा इसको हिंदी में लिख लिया जाए। माना स्टार्ट यहां से करेंगे, आप लोग फिगर बना के स्टार्ट यहां से करेंगे। माना एक धन आवेश, एक धन आवेश प्लस क्यू कॉमा के परावैद्युतांक वाले, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए हम क्या किए हैं, तो इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए पर रखे हैं, इसके लिए धन परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट से दिखाते हैं। धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए पर रखा गया है या स्थित किया गया है, तब प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल इतना, तथा हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है बल बटा में आवेश की मात्रा, तो हमने बल को रख दिया यहां से सूत्र से,
क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, वैद्य की तीव्रता इतनी आ गई, सदिश रूप में ये हो गया। नोट कर लीजिए इसको, आइए तो अब हम लोग बिंदु राशिखंड वैद्य क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब इसके आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ 10 दिन तक चलेगा जो भी, सब ये बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वही छोटे से चार्ज के कारण पढ़े हैं, एक बिंदु आवेश के कारण, कि बिंदु आवेश एक छोटा सा आवेश एक दूसरे आवेश पर कितना बल लगाता है, कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, ये सब हम लोग पढ़े, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा ऊपर का है, मतलब अभी हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, अब हम लोग बकैया खींचेंगे, होता है ना कि अभी बच्चा छोटा था अब वो बकैया खींचेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर दौड़ना भी सीखेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग छोटे बच्चे थे, अब थोड़ा सा बड़े होंगे, यानी अभी हम लोग एक छोटे से आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग आवेश को बड़ा करेंगे। तो आवेश को बड़ा करेंगे तो आवेश किससे बड़ा होगा, आवेश नहीं बड़ा होता है, आवेश की मात्रा अधिक होती है, आवेश की मात्रा कम होती है। आवेश तो बस एक छोटा सा होता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसा, कितना आवेश होता है 1.6×10^-19 ग्राम, यही 2 मिल जाए तो थोड़ा सा और मात्रा बढ़ गई, 50 मिल जाए और मात्रा बढ़ गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा आवेश था इसको बड़ा करेंगे, और हम लोग अलग अलग बड़े बड़े आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, वो भी अलग अलग आकार के आवेश के बारे में। यानी अगर हम एक त्रिभुज को ले लें, एक ठोस त्रिभुज को ले लें और इसको आवेश दे दें, ठीक है, इसको आवेश दे दें तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे या वैद्युत बल पढ़ेंगे। अगर हम एक वर्ग ले लें, प्लेट ले लें कोई, ठीक है, वर्गाकार प्लेट ले लें और उस पर आवेश दे दें तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आवेश कैसा है, बिंदु है, छोटा सा है, नहीं, अब वो एक आकार का हो गया, ठीक है। हम एक गोला ले लें तो गोला का कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे या वैद्युत बल पढ़ेंगे कितना होता है, ठीक है। एक लाइन ले लें, एक रेखा ले लें तो रेखा, जैसे तार, तार, तार एक रेखा होती है जिस पर आवेश बहते भी, आप लोग देखते हैं धारा आपके घर में आती है तो इसमें आवेश होते हैं, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यानी अब हम लोग अलग अलग आकृतियों के, अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उन पर आवेश देंगे और उनके कारण क्या इफेक्ट होता है या उनके कारण कितना बल लगता है इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब इससे पहले कि हम ये सब शुरू करें, आपको एक छोटा सा नॉलेज दे देते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण हेडिंग या 2 महत्वपूर्ण नियम पढ़ा हमें, एक पढ़ा वैद्युत बल जिसे कूलम्ब के नियम में पढ़े, और दूसरा अभी जस्ट खत्म हुआ है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र। आगे हम ये सब जो भी पढ़ने वाले हैं, ये जो भी सब पढ़ने वाले हैं, आपसे बस एक सीधा सा क्वेश्चन है कि क्या हम इन सबों में हम वैद्युत बल को निकालने की कोशिश करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र को निकालने की कोशिश करेंगे और क्यों। तो आंसर है कि हम लोग वैद्युत बल को नहीं निकालेंगे, हम लोग किसको निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र को। आगे से हम जो भी सब ये पढ़ेंगे, चाहे इसके कारण वैद्युत जो भी पढ़े, इसके कारण आवेश दे दें, इससे आवेश दे दें, इससे आवेश दे दें, इन सभी आकृतियों के कारण हम जो आगे से राशि जो मान को निकालना चाहेंगे वो होता है वैद्युत क्षेत्र, ना कि वैद्युत बल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वैद्युत बल, जब आपको हम वैद्युत क्षेत्र समझा रहे थे उसमें बताएं कि जो वैद्युत बल होता है, जैसे Q1 Q2/R², ये वैद्युत बल का सूत्र होता है, ये जो वैद्युत बल होता है ये निर्भर करता है दूसरे आवेश की मात्रा पे। यानी अगर हम त्रिभुज पे आवेश दे दिए, त्रिभुज पे आवेश दे दिए और इसके केंद्र से हमको r दूरी पर यहाँ पे वैद्युत निकालना है, वैद्युत बल की गणना करनी है, तो कितना होगा वैद्युत बल, वैद्युत बल कितना होगा ये डिपेंड करता है कि दूसरा आवेश पे आवेश कितना है, दूसरा हम जो चार्ज ला रहे हैं, दूसरा आवेश ला रहे हैं, उसको उसका मान कितना है। जैसे मान लो अगर इसका मान 10 कूलम्ब है प्लस 10 कूलम्ब, तो वैद्युत बल जो होता है ये तो हो गया 10 कूलम्ब, लेकिन जो वैद्युत बल होता है वो डिपेंड करता है दूसरे आवेश पे भी, कि दूसरा आवेश 5 कूलम्ब का है कि 8 कूलम्ब का है कि 10 कूलम्ब का है। जितना 5 कूलम्ब का आवेश रहेगा तो बल कुछ और रहेगा, 8 कूलम्ब का आवेश रहेगा बल कुछ और रहेगा, 10 कूलम्ब का आवेश रहेगा तो बल कुछ और रहेगा। यानी अलग अलग चार्ज के कारण एक ही बिंदु पे फोर्स अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो हमको इसको निकालना सही नहीं होता है, वैद्युत बल को निकालना सही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु, एक ही आकृति के लिए उससे r दूरी पर स्थित एक ही बिंदु के लिए बल का मान अलग अलग आ गया,
है कि नहीं। इसलिए वैद्युत बल आगे से हम लोग सूत्र नहीं निकालेंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां हम क्या कर देंगे। जैसे हम लोग अभी एक सूत्र पढ़े हैं ना कि E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट, यही तो पढ़े हैं। तो हम हर जगह वैद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करेंगे, और अगर बल निकालना है तो जहां आवश्यकता होगी वहां F बराबर E इंटू क्या हो जाएगा क्यू नॉट, यानी आवेश की मात्रा वैद्युत क्षेत्र से गुणा कर देंगे, बल आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बल को नहीं निकालेंगे, हम लोग किसको निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र को। वैद्युत क्षेत्र को ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो यहाँ बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो डिपेंड करता है उसी आवेश के कारण जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र बना है। यानी अगर ये 10 कूलम का आवेश यहाँ पे त्रिभुज के रूप में दिया गया तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, उसकी ताकत कितनी होगी वो सिर्फ इस पर निर्भर करता है, किसी दूसरे आवेश पर नहीं निर्भर करता है कि दूसरा आवेश कितना है, इस पर इस बात पर निर्भर नहीं करता है, बस निर्भर ये करता है कि उसके पास कितना आवेश है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आगे से जो भी सब पढ़ना शुरू करेंगे उसमें हम वैद्युत क्षेत्र को निकालेंगे, ना कि वैद्युत बल को। सारी हेडिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की होगी आगे से, इस चैप्टर की या इसके आगे एक और चैप्टर पढ़ता है गॉस की प्रमेय, उसकी भी सारी की सारी हेडिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की होगी। ओके, वैद्युत बल कहीं नहीं निकालेंगे हम, जहां आवश्यकता होगी वैद्युत क्षेत्र में आवेश की मात्रा से गुणा कर देंगे, वैद्युत बल आ जाएगा। ठीक है, और ये सूत्र याद रखिएगा कि बल बराबर होता है आवेश की मात्रा गुणा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। F बराबर होता है क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसकी सहायता से हम लोग द्रव बूथ मॉडल को, है ना, बूथ मॉडल का जो क्वेश्चन होता है उसको लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इतनी बात हमको लग रहा है कि समझ में आ गई होगी कि वैद्युत बल क्यों नहीं निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र क्यों निकालेंगे, क्योंकि वैद्युत बल अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, एक ही पॉइंट के लिए भी अलग अलग होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र एक पॉइंट के लिए हमेशा एक रहेगा। आवेश चेंज करेंगे वैद्युत क्षेत्र चेंज होगा, आवेश नहीं चेंज करेंगे वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान होगा। ओके, तो समझ में क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार की आकृतियों से आवेश अगर दिया जाए तो कितना आवेश दिया जा सकता है, उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे अगली हेडिंग आवेशों का सतत वितरण, जिसमें हम लोग तीन प्रकार की आकृतियों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।